أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام عليكم dear students, hope you are in a best state of health and iman. Today the date is 25th April 2020 and the day is Monday. I am here to teach you English of class 1 and 2 from City English School System. Our says traditions are obey your parents, apne maa baap ko kehna maane, say salam, clean yourself, apne aap ko saaf rakhe and your environment too. Today our topic is object names between school and home. Aap jo cheezein school se ghar jaate waqt ya ghar se school aate waqt dekhte hain, un cheezon ke naam aaj aapko bataye jayenge, unki aapne ek list apne paas ready kar leni hai. Number one thing is houses. Number two, shops like pizza shop, pet shop, book shop, fast food shop. Number three, birds. Many birds like duck, cock, parrots, sparrow. Streets, galiyan. ट्रीज, बहुत से दरख्त आप देखते हैं. पुलिस स्टेशन, पीपल, रास्ते में लोग गुजरते हुए आपको नज़र आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी टावर, बिजली के पिलर्स आपको नज़र आते हैं. रोड्स देखते हैं आप. मॉस्क, मस्जिद नज़र आती है आपको. पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस. बिल्डिंग्स, बहुत सी बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं. स्कूल लाइक बहुत से दूसरे स्कूल आपको नज़र आते हैं. एनिमल्स लाइक डंकी, डॉग. ओके स्टूडेंट, इन सब के अलावा भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं. स्काई, सन, आप खुद से भी ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं स्कूल से घर आते वक्त, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आते हैं. सेकंड टॉपिक इज़ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, यह आज आपको बताएँगे. वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू को वॉवल्स कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं. कॉन्सोनेंट्स, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं बी सी डी, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. वोकेबलरी वर्ड्स फॉर क्लास वन. वन क्लास के वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो आपने याद करने और लिखने हैं. रेडिश, मूली, सब्जी है एक रेडिश. नंबर टू वर्ड इज़ स्लाइस, टुकड़ा, जैसे आपको ब्रेड का टुकड़ा दिखाया जा रहा है. नंबर थर्ड वर्ड इज़ नी. नी मीन्स घुटना. नंबर फोर वर्ड इज़ पील, छिलका, जैसे ये माल्टे का छिलका उतरा हुआ है, छिलका. नंबर फिफ्थ वर्ड इज़ आईब्रो. आईब्रो मीन्स भवें, हमारी आंखों के ऊपर जो भवें होते हैं उन्हें कहते हैं. वोकेबलरी वर्ड्स फॉर क्लास टू. टू क्लास के वोकेबलरी वर्ड्स हैं फोर्क मीन्स कांटा, रग मीन्स कालीन. थर्ड वर्ड इज़ बुक केस, यानी किताबें रखने का शेल्फ, किताबें रखने की अलमारी. बाथ मैट यानी गुसल चटाई. नंबर फिफ्थ वर्ड इज़ हेडेक, सर का दर्द. इस तरह आपको अलग अलग भी वोकेबलरी वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं. वन क्लास के फाइव वोकेबलरी वर्ड्स एंड टू क्लास के फाइव वोकेबलरी वर्ड्स, ये आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं. After learning all these topics, you'll be able to pronounce many difficult words and your vocabulary will be increased and you'll be able to differentiate between vowels and consonants. आपकी vocabulary भी बढ़ेगी, vowel and consonants के बारे में भी आपको पता चलेगा. और ये डायरी है आपकी वन क्लास एंड टू क्लास. मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको बताए गए उनकी एक लिस्ट बनानी है. वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट्स को भी लिखना है और वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपने याद करने हैं और अच्छे रजिस्टर पे लिखने हैं. होप यू विल कोऑपरेट. ओके, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. थैंक यू.